हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। तो ये जो बाबे लोग रहते हैं ना, इनके पास जाता है और इनके पास जाकर कहता है कि हर काम कर चुका हूं, और पहले मैं मिट्टी पर हाथ डालता था सोना बन जाती थी, और अभी तो सोने पर हाथ डालता हूं तो मिट्टी हो जाती है, कुछ भी काम नहीं चलता। अब वो समझे, वो बताते हैं कि नहीं, तुझ पर किसी ने कुछ कर लिया है। अब वो कहे किसने किया, कहना बस तुम भी जानते हो, और बस मैं क्या बताऊँ तुमको, और तुम्हारे आसपास भी है। अब उसके जितने दुश्मन है सब पर उसकी निगाह घूम जाती है, फिर उसमें जो उसका आला दुश्मन हो जाता है उस पर उसका नाम पक्का होता है, मुझे वहम है उस पर। हाँ फिर वो क्या कहता है कि हाँ मैं इसीलिए तो नाम नहीं बता रहा था, क्योंकि नाम बताने में झगड़ा होता है। अब उसी ने उसको कबूल कर लिया। तो ये एक माइंड प्रोग्रामिंग है, और आदमी उसके फंदे में आ जाता है और अपना माल बर्बाद करता है, क्योंकि ये शैतान के पीछे ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। कुरान ने कहा हमको कि जब तुम तकवा इख्तियार कर लो फिर तुमको किसी तरह का कोई जरर कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो अब अगर ये मुत्तकी होता तो क्या कर लेता, इसका कोई जादू अगर कर भी देता क्या कर लेता वो, क्योंकि जादू कुछ भी चाहे करे लेकिन तकदीर को तो नहीं चेंज कर सकता, तकदीर को तो हक तआला शानहू नहीं चेंज करते। अब बहुत सारी एक हदीस शरीफ में है, मुझे एक आदमी ने बताई कही कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, कहा कि तिर्मिजी शरीफ की हदीस है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैंने कहा हदीस अपनी जगह है लेकिन हदीस को समझने की जो आपकी अकल है ना वो बराबर नहीं है। हदीस ने तो सही बात कही है लेकिन आपकी अकल यहाँ काम नहीं कर रही है। हदीस में है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है लेकिन तकदीर जो है वो मुबरम और मुस्तहकम है। जो मुस्तहकम तकदीर है जिसको किताब किस्मत कहा जाता है वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि तकदीर कदर से निकलती है, उसको कहते हैं अंदाजा। वो अल्लाह जल्ले जलालू और मनवालों का अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए ये कैसे कहा जाएगा कि भाई बाद में कोई उसे नुकसान पहुंचा और उसने दुआ मांगी तो तकदीर बदल गई, यानी अल्लाह पाक का अंदाजा गलत साबित हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी तकदीर ही में लिखा हुआ है कि फला वक्त पे फला आदमी इसके लिए दुआ करेगा या फिर ये खुद ही दुआ करेगा, उस दुआ के नतीजे में इसका ट्रैक चेंज कर देंगे हम, यानी जिस ट्रैक पे चल रहा होगा उससे इसको चेंज कर देंगे तो इसको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बारह ट्रेन जब गुजरती है और वो ट्रैक चेंज करती है तो मामूली सी वो ट्रेन की जो लाइन होती है बहुत मामूली सा होता है, वो बिल्कुल बहुत बारीक सी, उससे वो हल्की सी उस पर पहिया आता है उसका व्हील और वो चेंज हो जाती है और पूरी ट्रेन का रुख चेंज हो जाता है। तो ये जो ट्रेन का रुख चेंज हुआ बहुत मामूली सिस्टम से हुआ, तो अख्तियार शानू ने वो मामूली सी चीज तकदीर में लिखी हुई है कि ये एक वक्त में आएगा दुआ करेगा मजबूर होकर के और फिर हम इसके ट्रैक को चेंज कर देंगे और यहाँ से इसकी लाइन बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह शानो ने पहले कोई चीज नहीं लिखी थी अब उसको बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हदीस का मफहूम है कि तकदीर जिस कलम से लिखी गई थी उस कलम में अब स्याही नहीं है, वो सूख चुकी है, खत्म हो चुकी, यानी वो नया चेंज करने के लायक ही नहीं बचा। तो फिर चेंज करेंगे किससे? अल्लाह जल्ले जलालहू मन वालों, जिस कलम से लिखी थी वो तो फाइनल कर दिया अल्लाह पाक ने। इसलिए हदीस को अपनी अकल से परख लेना समझ लेना ये पॉसिबल नहीं है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह।